हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नॉट प्यार से वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि आप लोग के स्क्रीन पे अंबुजा सीमेंट है और इसी का, जी हाँ दोस्तों, इसी का हम लोग एनालाइजिस करने वाले, बात करने वाले हैं, जो कि देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, जी हाँ, कुछ इस तरह का हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अंबुजा सीमेंट में। तो हम लोग इसको बात करने वाले, क्या टारगेट रह सकता है, क्या इसमें रुकने का प्रयास कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और वेट करें, या थोड़ा सा निकल जाए, इसमें क्या करना है, सब हम लोग एनालाइजिस करेंगे। उससे पहले आप लोग को टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं, द शेयर मार्केट जो अपना ही टेलीग्राम चैनल है। तो इसमें हम लोग बता चुके हैं पहले ही, देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट को ब्रेकआउट से पहले थोड़ा सा हम लोग आप लोग के सामने दे दिए हैं। तो यहाँ पर से आप लोग राइड करने के लिए शुरू हो जाइए। टारगेट कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, वो सब हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया है। तो मार्केट में कहां तक इसका टारगेट हो सकता है, जो कि मार्केट अभी बुलिश है, देख सकते हैं मार्केट अभी बुलिश है, उस कारण से हर एक स्टॉक में लगभग अच्छा खासा ब्रेकआउट होने हो रहा है। तो उसका टारगेट, जी हाँ, उसका टारगेट हम लोग को पहला अंबुजा सीमेंट का टारगेट आ रहा है। यहाँ पर पहला टारगेट हम लोग के सामने जो कि बन के आ रहा है, देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। यहाँ पर पहला टारगेट हम लोग के पास यहाँ पर जो कि आ रहा है, देख सकते हैं इसका यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर पहला टारगेट आ सकता है। अगर आप लोग के पास अगर होल्डिंग है, जी हाँ, अगर होल्डिंग है तो यहाँ पर रुक सकते हैं थोड़ा बहुत 429 के लेवल के लिए। जी हाँ, 429 428 के लेवल के लिए रुक सकते हैं अगर होल्डिंग है तो थोड़ा सा रुक जाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलता है तो उसके बाद आप लोग के लिए सेकेंड टारगेट बनकर आ रहा है 493 का। जी हाँ, तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा, क्योंकि मार्केट में देख सकते हैं कि थोड़ा अंबुजा सीमेंट वगैरह अडानी के अंदर में आ चुका है। तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें उतना रैली नहीं बने, लेकिन सीमेंट सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में, स्टॉक्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है, अच्छा खासा तेजी बढ़ रहा है। तो पहला स्टॉक में आप लोग टारगेट रख लीजिए 429 का, सेकेंड टारगेट आप लोग रख लीजिए 400 लेकर 492-93 का रखकर चल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अगर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, देख सकते हैं मार्केट में यहाँ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो इसको पार करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है पार करना। अगर मुश्किल निकाल देता है तो, जी हाँ, अगर निकाल देता है तो आप लोग 574 के टारगेट के लिए भी होल्ड कर सकते हो। तो पहला टारगेट अगर लिए हुए, अगर किसी तरह का सोच रहे हैं कि निकलने का, तो थोड़ा सा और रुकने का प्रयास कर सकते हैं 429 का। उसके बाद आप लोग सोच सकते हैं कि रखना है या नहीं रखना है या निकल जाना। तो अगर नीचे में पोजिशन अगर बना है तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, ऊपर में निकल सकते हैं। और बाकी अगर इसको जाने के बाद रिट्रेसमेंट करता है तो अच्छा खासा 492 तक का लेवल आप लोग को दिखा सकता है। तो अंबुजा सीमेंट्स में है तो अगर होल्ड कर रखिए, और थोड़ा ऊपर लिए हैं तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए कि जहां तक वो ऊपर पहुंच सके वहां तक निकलने का प्रयास कीजिए। कभी अभी मार्केट बुलिश है तो हो सकता है मार्केट में 18,600-18,500 तक जा सकता है, तो वहां पर हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा मार्केट में, और वेट करिएगा मार्केट अगर नीचे आता है फिर से तो उसमें बाई बनाने का। अगर किसी तरह का स्टॉक आप लोग लिए हैं या एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं या हम लोग का स्टॉक बताया हुआ तो उसमें आ सकते हैं, लेकिन अंबुजा सीमेंट में अगर होल्डिंग है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, टारगेट अपसाइड में मिल सकता है थोड़ा बहुत। तो बाकी अगर से तो शेयर मार्केट जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हम लोग ब्रेकआउट स्टॉक, ब्रेकडाउन स्टॉक डेली यहाँ पर डालते रहते हैं। देख सकते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक, ब्रेकडाउन स्टॉक यहाँ पर आता रहता है डेली। तो इस तरह का जो भी स्टॉक रहता है हम लोग ब्रेकआउट पे पकड़ते हैं, और आप लोग के सामने अगर है तो उसमें होल्डिंग बना सकते हैं, नहीं है तो थोड़ा बहुत पोजीशन रख सकते हैं, या इसमें ब्रेकडाउन में भी बताते रहते हैं। तो इसमें कम से कम एनालिसिस वगैरह, इसमें नॉलेज वगैरह होता रहेगा आप लोग को। तो शेयर मार्केट जो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, तो अभी बिल्कुल जाकर ज्वाइन हो सकते, हो सकता है बाद में अगर हैवी यहाँ पर लोग आने लगे तो हो सकता है पेड भी किया जा सकता है, लेकिन अभी बिल्कुल फ्री है। तो जहाँ तक हो सकता है आप लोग शेयर करके ज्वाइन हो जाइए, बिल्कुल डेली आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा स्टॉक से रिलेटेड। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आप लोग होल्डिंग होगा तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो सकता है तो उसमें कम हो सकता है, जहां तक हो सके प्रयास करें कम का। बाकी किसी तरह का स्टॉक से रिलेटेड क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वहां पर हम लोग हो सके जहां तक हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और ऑप्शन ट्रेडिंग का लेवल वगैरह भी हम लोग यहाँ शेयर करते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन इसी लेवल पे कर सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं हम लोग भी इसी लेवल पे कर अच्छा खासा पॉइंट्स बना लेते हैं, और डेली का, जी हाँ, तो डेली का खर्चा निकल जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड हम लोग ने पूरा डिटेल बता दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो किसी भी और स्टॉक से तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग और भी स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक से एनालिसिस वगैरह लाते रहेंगे। और थोड़ा सा शेयर करने का प्रयास कीजिए, वीडियो आप लोग के लिए ला रहे हैं तो आप लोग मेहनत कीजिए कि बस लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और बाकी हम लोग आप लोग के लिए अपडेट लाते रहेंगे, जो भी ब्रेकआउट स्टॉक है या ब्रेकआउट होने वाला है तो वहाँ पर हम लोग टेलीग्राम में पहले बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को वीडियो थोड़ा लेट आता है तो पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग
ब्रेकआउट स्टॉक्स एनालिसिस वगैरह करेंगे, अपना पोजीशन वगैरह दिखाएंगे और वहाँ पर बताएंगे कि कहाँ बाई किए हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं। तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल और उसके बाद यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर तो वहाँ पर दोनों का मिक्सचर आप लोग को पता चलते रहेगा और शेयर मार्केट में भी अच्छे खासे घुले मिले रहिएगा और सीखते रहिएगा और कमाते रहिएगा और तो हम लोग के साथ बने रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बने चले बने स्टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय।